बुच्ची बाबू ने आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अब उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जबकि प्री परीक्षा पास करने के बाद उन्हें मुख्य परीक्षा देनी है। दुर्भाग्य यह रहा कि वे कभी मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। आईएएस के साक्षात्कार चरण तक वे कभी नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा भी नहीं कि उनकी तैयारी में कोई कमी हो। उनका एक वैकल्पिक विषय भूगोल है। भूगोल पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मारू ने अभी कुछ समय पूर्व ही आईएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की है। उसने भी भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है। मारू को पुस्तकों और नोट्स के मामले में बुच्ची बाबू की मदद मिल जाया करती है। यह बात सच है कि बार बार प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा देने से प्रायः व्यक्ति की तैयारी में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं आना होता है। मुख्य परीक्षा के लिए जितने अध्ययन की जरूरत थी बुच्ची बाबू संभवतः उतना पहले से ही जानते थे। वे कई बार पहले भी मुख्य परीक्षा दे चुके थे, अच्छी जानकारी थी उनकी। खाटू दादा ने इस बार जानबूझकर आईएएस की परीक्षा ना देते हुए ब्रेक लिया था। आजकल वे मित्रों से अपनी कमियां पूछ रहे हैं और सुधार के सुझाव मांग रहे हैं, इसलिए खाटू दादा काफी खतरनाक हो चले हैं। बीते दिन बालाजी भयभीत होकर तेजी तेजी से कहीं जा रहे थे। मारू ने पकड़ लिया। पूछने पर पता लगा कि वे काफी डरे हुए हैं। खाटू दादा ने उनसे अपनी 5 कमियों के बारे में पूछा है और आज उन्हें जवाब देने का समय आ चुका है। इतना ही नहीं, बनारसी के सौजन्य से बाला को खबर मिली है कि खाटू दादा उन्हें तलाश कर रहे हैं। समस्या गंभीर थी। खुद मारू डर के साये में जी रहा था। उसे पता था कि खाटू दादा आजकल अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों मित्रों ने योजना बनाई कि खाटू को व्यस्त रखा जाए। उनसे बचने का यही एकमात्र तरीका है। फिलहाल 2 बार आईएएस का साक्षात्कार देने के बाद भी जब अंतिम रूप से उनका चयन नहीं हो पाया तो वे थोड़ा सावधान हो गए थे। उन्होंने अपनी कमियों पर आत्मचिंतन के लिए परीक्षा के संदर्भ में 1 वर्ष का विश्राम लिया था। यद्यपि उनका आत्मचिंतन उनके मित्रों पर बहुत भारी पड़ता है, उनके आत्मचिंतन करने की खबर उनकी मित्र मंडली पे वज्र के रूप में गाज बनकर गिरी है, इसलिए उन्हें व्यस्त रखने की योजना बनाई गई है। तो इस वर्ष केवल बुच्ची बाबू ही एकमात्र ऐसे थे जिन्हें आईएएस की मुख्य परीक्षा में शामिल होना था। इसलिए सभी मित्रों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि बुच्ची को फिलहाल बकचोदी की घटनाओं में कम से कम शामिल किया जाए, जिससे उन्हें अधिक से अधिक समय पढ़ाई के लिए मिल सके। इसलिए बुच्ची बाबू को बिना बताए बालाजी के कमरे पर कुरड़िया की एक बाजी आयोजित होने जा रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इसमें खाटू दादा अवश्य शामिल हों। बालाजी, मारू, गुलेरी बाबू और खाटू दादा एकत्रित हो चुके हैं। पानी पीने की बोतल बाहर से कौन भरकर लाएगा, इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए चारों मित्र ऐसे ही कमरे की सुषमा और सुंदरता के बीच जगह बनाकर खेलने बैठ गए हैं। पर बुच्ची बाबू भी कम नहीं थे। उन्हें इस ऐतिहासिक घटना की जानकारी हो चुकी थी। वे एक साथ कुरड़िया और बकचोदी दोनों के परम सुख से वंचित होना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने बीच में ही बालाजी के कमरे पर धावा बोल दिया। कमरे में बैठे चारों मित्रों के कानों में खैनी पीटने की फटाक फटाक की आवाज सुनाई दी। सभी समझ गए कि बुच्ची बाबू ने एक साथ हम लोगों की मौजूदगी को सूंघ लिया है। यह साला बुचिया मानेगा नहीं। कितना भी समझा लो कि भैया आईएएस का मेंस है, बस कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। मारू ने कहा, परम सुख की तलाश में है बुच्ची बाबू। खाटू दादा ने बात आगे बढ़ाई। बुच्ची बाबू अब तक कमरे में प्रवेश कर चुके थे। उनके चेहरे पर शिकायत और हिकारत के मिले जुले भाव थे और आंखों से कुरड़िया खेलने की तीव्र वासना टपक रही थी। क्यों बेसालों, हरामखोरों, अकेले अकेले मस्ती कर रहे हो, बता नहीं सकते थे मुझे?
बुच्ची बाबू ने लगभग चीखते हुए उद्घोषणा की, एक कोने में चुपचाप बैठ जा भौंसड़ी के, बड़ी परीक्षा है तेरी, बस इसलिए नहीं बताया। बालाजी ने झिड़कते हुए कहा, कमीनो तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी तैयारी पूरी और अच्छी है, हर समय तो किताबें लेकर नहीं बैठ सकता, तब थोड़ा बहुत मनोरंजन तो चाहिए ना यार। बुच्ची बाबू ने स्पष्टीकरण दिया, थोड़ा मनोरंजन इसके मुंह में उड़ेल दस साले के। गुलेरी बाबू ने फटकार लगाते हुए कहा। अब बुच्ची बाबू याचना की मुद्रा में आ गए, चेहरे पर ढेर सारा बनावटी भोलापन लाते हुए बोले, यार बस एक चाल खेल लेने दो। थक थक दुत, बालाजी ने जोर से कहते हुए बुच्ची को ठीक ऐसे ही फटकार दिया जैसे कि किसी कुत्ते को फटकारा जाता है। पर बुच्ची बाबू हार मानने वालों में से नहीं थे, ऐसे मामलों में उनका जुझारूपन काबिले तारीफ है। जो बात संस्कार में नहीं है उसे व्यवहार में कैसे लाएं? वे मारू की बगल में बैठ गए और ललचाई निगाहों से उसके पत्ते देखकर बोले, ट्रंप क्या खुली है, तेरी समझ में नहीं आता भौंसड़ी के, चल भाग यहां से, पढ़ाई कर जाकर। मारू ने डांटते हुए कहा, हराम खोरो बस मुझे एक चाल खेल लेने दो, भौंसड़ी के कोई जायदाद नहीं मांग रहा हूं। उतनी तेजी से मारू को झिड़कते हुए बुच्ची बाबू गुर्राए, यार तुम लोगों ने शादी विवाह में कभी उस जगह को देखा है जहां पर मिठाइयां बनती है? मारू ने चुहल करते हुए प्रश्न किया। हाँ हाँ देखा है, सभी ने एक स्वर में जवाब दिया। शायद सभी समझ चुके थे कि बुच्ची बाबू पर कोई जोरदार टिप्पणी होने जा रही है। मारू ने बात आगे बढ़ाई, तो यह भी देखा होगा कि वहां कुत्तों का जमघट लग जाता है, चाहे खाने को कुछ भी ना दो लेकिन एक भी कुत्ता वहां से नहीं हिलता, बेचारे चुपचाप पूंछ हिलाते हुए बैठे रहते हैं। संकेत समझते ही सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। मारू के इस कथन पर बुच्ची बाबू भी अपनी हंसी ना रोक पाए। गधे चंद गिरधारी लाल, हंस क्या रहे हो, कुत्ते की तुलना तुमसे ही की गई है। खाटू दादा ने अपनी भाषा में सबसे अश्लील गालियों का इस्तेमाल करते हुए कहा, पता है गांडू की कुत्ते की तुलना मुझसे ही की गई है, लेकिन यह कुत्ता चुपचाप पूंछ हिलाकर बैठेगा नहीं, कमीनो एक चाल तो खेल कर ही जाऊंगा। दृढ़ निश्चयी बुच्ची बाबू ने घोषणा की, नहीं। बालाजी ने जोर से चिल्लाकर बुच्ची बाबू के इरादों पर कुठारा घात किया। अब बुच्ची बाबू अनुनय विनय पर उतर आए, यार बस एक चाल फिर मैं चला जाऊंगा, क्या कहते हो दोस्तों, इस चूतियों को एक बाजी खेलने दिया जाए क्या? मारू ने पूछा, अब जब मरा ही जा रहा है कमीना तो खिलवा ही दो, वरना यही बैठा पूंछ हिलाता रहेगा। गुलेरी बाबू ने समर्थन किया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि बुच्ची बाबू के लिए एक बाजी की कुर्बानी देगा कौन? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल था। जब किसी ने मुंह नहीं खोला तब बुच्ची बाबू खुद ही बोल पड़े, यह हरामखोर बाला तो मानेगा नहीं, इससे कमीना आदमी शायद ही कोई हो। इससे पहले कि बुच्ची बाबू की बात पूरी हो पाती, गुलेरी बाबू बोले, मैं तो नहीं हटूंगा। अब बात खाटू दादा मारू पर आकर टिक गई, दोनों ही अपनी बाजी छोड़ने को तैयार थे, पर अंततः मारू ने बुच्ची बाबू के लिए एक बाजी की कुर्बानी देने का मन बना लिया। बुच्ची तुम्हें एक बाजी तो खेलने को मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मारू ने शर्त रखी। बुच्ची बाबू ने लगभग पूंछ हिलाते हुए उत्साह में भरकर कहा, क्या? बुच्ची तुम्हें बाहर से इस बोतल में पानी भरकर लाना होगा, मारू ने आदेश दिया। बुच्ची बाबू सहर्ष तैयार हो गए। चारों मित्रों में काफी देर से इस बात पर बहस चल रही थी कि पानी भरकर कौन लाए। बुच्ची बाबू के आने से इस समस्या का सरल समाधान हो गया था। अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 17, संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B फोर्थ फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।